एबीपी न्यूज 24x7 सच्चाई कलम की नोक पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं पीपी न्यूज, जहां इस वक्त की बड़ी खबर। परिवार रजिस्टर नकल को लेकर पुत्र पौत्र ने लगाया ग्राम पंचायत अधिकारी पर गंभीर आरोप। विकास खंड में एप्लीकेशन देने के बाद भी नहीं कोई हो रही है सुनवाई। 80 वर्षीय रिटायर अध्यापक सेक्रेटरी को पर लगाया जबरदस्त आरोप। परिवार रजिस्टर में दो बार निकली नकल। मृतका डेट 1 वर्ष का अंतर। सेक्रेटरी के ऊपर जबरदस्त लापरवाही करने के मृतका का पुत्र पौत्र ने लगाया आरोप पर आरोप। मामला विस्तार से। आजमगढ़ विकासखंड माटिंगा ग्राम सभा कुर्थुआ, जहां बड़े पुत्र नरसिंह ने आरोप लगाया कि मेरी माता मेवाती देवी का देहांत 14/1/1998 में हुआ। परिवार रजिस्टर नकल में मेरे पास उपलब्ध है। वहीं दूसरी ओर जब 19/9/2022 को परिवार रजिस्टर निकाला गया, उसमें आरोपकर्ता ने बताया कि 14/1/1997 मृतक दिखाया गया है। अगर एक ही बार दो मृतक दिखाया जाए तो मामला बड़ा पेचीदा हो जाता है। नकल जारी करने वाले पहले ग्राम पंचायत अधिकारी गलत तरीके से बनाया है। यह वर्तमान पंचायत अधिकारी ने उसको तोड़ मरोड़ कर तथ्य को छिपाने की कोशिश की जा रही है। यह परिवार के ही किसी द्वारा दर्ज कराया गया, यह तो मामला जांच का विषय हो जाता था। हालांकि आरोपकर्ता द्वारा खंड विकास अधिकारी और तहसील के ऊपर अधिकारियों के संज्ञान में डाल दिया है। प्रार्थना पत्र देने का समय 10 दिन हो गया, लेकिन अभी तक कोई उचित कार्रवाई, ठोस कार्रवाई सामने नहीं आई। मामला लीपापोती का सामने आया जब पत्रकार द्वारा तथ्य को जानने की कोशिश की गई। विकासखंड अधिकारी कर्मचारी द्वारा कोई उचित उत्तर नहीं मिल सका। आइए सुनाते हैं पुत्र पौत्र की जुबानी। आइए देखें मंगल मिश्रा की खास रिपोर्ट। मार्टिनगंज में आपने यहाँ एसडीएम साहब को ज्ञापन सौंपे हैं, वो 19 तारीख को, क्या समस्या है आप बताएं। मैं नरसिंह मिश्र, ग्राम कुर्थुआ, पोस्ट सुनहरा, तहसील आजमगढ़ का निवासी हूँ। मेरी माता का की मृत्यु 1998 देवी 14/1/1998 को हो गई। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ब्लॉक तहसील में आया तो गांव के प्रधान द्वारा मृत प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया और शोक संदेश प्रस्तुत किया। उन्होंने हमको परिवार रजिस्टर में 12 को उन्होंने मुझे एक नकल प्रस्तुत किया। उसमें लिखा हुआ हम अपनी जगह कब मरी हैं, कब की नकल प्राप्त हुई दुबा का, और उस नकल में क्या है ऐसी खामियां की जो आपको एप्लीकेशन देना पड़ा। हाँ, वो 14/1/1998 को मरी और उसके बाद एक दूसरी नकल हमको इशू की गई जिसमें दिखाया गया कि 14/1/1997 की नकल है, 1998 की नकल, यानी 1 वर्ष का फर्क है। एक वर्ष का। तो यहाँ ब्लॉक जो पंचायत ग्राम पंचायत अधिकारी होते हैं उनके द्वारा गड़बड़ी की गई है। आप चाहे जिसके द्वारा आपका मानना क्या है, एप्लीकेशन किस संदर्भ में दी है? सेक्रेटरी के द्वारा ग्राम विकास पंचायत। आपका आरोप है जो यहाँ ग्राम पंचायत सेक्रेटरी वो उनके द्वारा यह मतलब गलत प्रस्तुत। 1 साल का अंतर दिखा दिए। 1 साल का अंतर। तो आपका अगर निस्तारण नहीं हुआ तो आगे कहाँ तक जाएंगे? अब आगे या तो कोर्ट जाएं या तो पूरे समाज में करके फीस। पिताजी ने कहा है कि 1 साल का फर्क दिखा दिए हैं परिवार रजिस्टर में, तो आपका क्या मानना है? आप बड़े पुत्र हैं या छोटे पुत्र जो भी हैं, इनका कहना है कि 1 वर्ष का अंतर आपके माता के दादी जी को मरने का दिखा दिए यहाँ के ग्राम पंचायत अधिकारी जो है, इसके बारे में आपका क्या कहना? हाँ सर, इसमें ये जिन्होंने पिता ने जो भी बात कही है वो सत्य की है। क्या है? वह 14/1/1998 को मरी हैं और यहाँ सेक्रेटरी ने रजिस्टर में दर्ज किया है 14/1/1997, तो ये सर सरासर गलत है और ये अन्याय है। और हर कोई प्रमाण नहीं, कोई चीज नहीं, कोई भी एक थर्ड आदमी आकर के मृत दर्शा सकता है, हमसे कोई प्रमाण नहीं। घर के ये सबसे बड़े मुखिया है, इनसे पूछा नहीं गया, इनसे पूछा भी नहीं गया कि मृत्यु कब हुई, कैसे हुई, क्या सेक्रेटरी वीडियो और कोई किसी कहने पर नोट कर देंगे। यानी कि सेक्रेटरी द्वारा घोर अनियमितता बरती गई है। घोर अनियमितता सर उन्होंने कहा है और रजिस्टर में जो उन्होंने नकल दिया है मुझे उसमें कुछ अंतर है, और ये जो दिया है 2012 में उसमें कुछ अंतर है, और जो कल मुझे दिए 19 तारीख को उसमें आप देखते हैं सर कुछ अंतर है। विकास खंड के हैं आप? मार्टिनगंज के। राजनीतिक, सामाजिक, सरोकार से भरपूर देश प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों से करेंगे आपको रूबरू। आइए रुक करते हैं आज के खबरों की ओर। आपके अंदाज में ताज़ा अपडेट के लिए
चैनल को सब्सक्राइब, शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।